हेलो किड्स, वेलकम टू टीटू लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसेक्ट्स के बारे में, कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, उनके क्या नाम हैं और उनमें क्या कुछ स्पेशल है। तो इंसेक्ट होते क्या हैं, क्या आप बता सकते हैं? इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं। आप उनको डेली रूटीन में देख सकते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी और भी बहुत से इंसेक्ट होते हैं। तो आप चाहे उनसे परेशान हो जाएं, मगर वो आपकी लाइफ का पार्ट होते हैं। इनकी स्पेशलिटी कुछ ऐसे है कि इनमें बैकबोन नहीं होती। जैसे हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, इंसेक्ट्स में नहीं होती है। इनके 6 लेग्स होते हैं और इनके हेड पे 2 एंटीनास होते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग? गुड। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास, कौन कौन से हैं ऐसे कीड़े मकौड़े जो कि इंसेक्ट कहलाते हैं, कीड़े मकोड़े कहलाते हैं। तो सबसे पहले आता है बी। बी यानी कि मधुमक्खी। मधुमक्खी आप जानते हैं कि फूलों पे घूम घूम करके शहद इकट्ठा करती है, यानी कि उनका जूस चूस करके वो शहद बनाती है, मधु बनाती है। तो वो अपने पूरे लाइफ टाइम में केवल 1 स्पून हनी ही बना पाती है। है ना इंटरेस्टिंग थिंग? वो इतनी मेहनत करती है और बनता है 1 स्पून हनी। तो कितना प्रेशियस होता है वो हनी। सेकेंड इंसेक्ट है फ्लाई। फ्लाई यानी कि मक्खी, इसे हम होम फ्लाई भी कहते हैं, जो कि आप अपने घर पे अक्सर देख लेते होंगे। और ये मक्खियाँ गार्बेज यानी कि कचरे को देख करके फटाफट से अट्रैक्ट होती है। तो इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं कि हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, वरना मक्खियाँ आ जाती है और वो हमें बीमार कर सकती है। और ये कौन है ये देख करके बताइए। ये तो आपने देखी ही होगी। यस, दिस इज एन एंट। ये है एक चींटी। आप जानते हैं कि ये अपने वजन से 20 गुना ज़्यादा वेट उठा सकती है। अपने खुद के भार से 20 गुना ज़्यादा भार को ये उठा सकती है। और ये कौन है प्यारा सा? यस, ये है बटरफ्लाई। ये है तितली। और तितली रेड, ग्रीन और येलो कलर को ही देख सकती हैं। अब क्या आप ये बता सकते हैं ये कौन है? यस, दिस इज अ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा। और इसकी कितनी आईज होती है आप बता सकते हैं? यस, इसकी 5 आईज होती हैं, 5 आंखें, ताकि ये अपने आसपास सब चीजों पे नजर रख सकता है। और ये कौन है ये बता सकते हैं? ये है वास्प। वास्प यानी कि ततैया। ये काटता है तो बहुत दर्द होता है ना? और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने अक्सर आजकल सुनते होंगे कि ड्रोन से आजकल चीजें सप्लाई होती है, फोटोग्राफी होती है। ड्रोन्स आप जानते होंगे, आप जो हेलीकॉप्टर के जैसे एक छोटी सी डिवाइस होती है, मगर असलियत में मेल वास्प का नाम होता है ड्रोन। तो ये नाम वहां से आया है। अब ये कौन है? ये है मॉस्किटो, मच्छर। इसको सभी जानते हैं, ये हमारे घरों में अक्सर आ जाता है। और क्या आप ये जानते हैं कि ये मच्छर जो इतनी आसानी से हमारे घरों में घुस जाता है, ये दुनिया का डेडलीएस्ट क्रिएचर है। ये सबसे ज़्यादा जानलेवा जानवर है। और ये कौन है? ये है ड्रैगन फ्लाई यानी कि व्याध पतंगा। और ये उड़ने में माहिर होते हैं। दे आर एन अमेजिंग फ्लायर्स। और ये क्या है?
ये है मेंटिस। मेंटिस, मेंटिसेस आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पेड़ पौधों की जो स्टिक्स होती हैं, डंडियां होती हैं, उनकी जैसे ही या पत्तियों के जैसे ही लगते हैं। तो ये अपने आप को छुपाने में माहिर होते हैं ताकि इनके ऊपर कोई अटैक ना कर सके। और ये कौन है? ये है डग बीटल, यानी कि गुबरेला। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और ये कौन है प्रिटी सी? ये है लेडी बर्ड। और इनके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ स्पॉट्स डिफाइन करते हैं कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। क्या बताते हैं इसके ऊपर जो डॉट्स हैं, उन डॉट्स का काउंट डिफाइन करता है कि ये कौन सी स्पीशीज को बिलोंग करते हैं। और ये कौन है? ये है मॉथ। मॉथ यानी पतंगा। मॉथ्स बिना अपनी नोज के भी स्मेल कर सकते हैं। मॉथ्स कैन स्मेल विदाउट नोज। और ये कौन है? इसको भी आपने देखा होगा। ये है कॉकरोच, यानी कि तिलचिट्टा। क्या आप जानते हैं कि ये अपने सिर के बिना भी 7 days तक सर्वाइव कर सकता है? तो आप आज इस वीडियो में मिले बहुत सारे इंसेक्ट्स से, और उनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले। तो अब आपका टर्न है, आप यहाँ पे देखेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा इंसेक्ट कहाँ पे है। तो बताइए कि बी यानी कि मधुमक्खी कहाँ पे है। यस, यू आर करेक्ट, दिस इज अ बी। और एंट कहाँ पे है? एंट यानी कि चींटी कहाँ पे है? यस करेक्ट। और ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डा कहाँ पे है? यस यू आर करेक्ट। और मॉस्किटो कहाँ पे है? ये तो आप फटाफट पहचान लेंगे। यस दिस इज द मॉस्किटो, ये मच्छर है। और बताइए फ्लाई यानी कि मक्खी कहाँ पे है? होम फ्लाई कहाँ पे है? यस दिस इज अ फ्लाई। और बटरफ्लाई, यस दिस इज अ बटरफ्लाई। और वास्प यानी कि ततैया कहाँ पे है? यस दिस इज द वास्प। और डग बीटल कहाँ पे है यानी कि गुबरेला? यस ये है गुबरेला। और लेडी बर्ड कहाँ है? यस ये है लेडी बर्ड, यू आर करेक्ट। और लास्ट में कॉकरोच कहाँ पे है? यस दिस इज अ कॉकरोच, तिलचट्टा, ये है तिलचट्टा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से आपने इनको ढूंढा, पहचाना और टिक किया। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताती हूँ इन सभी इंसेक्ट्स के बारे में। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थ में ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पे आपको इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे? क्या है ऐसी कोई जगह? यस, ओशियन में, समंदर में आपको इंसेक्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये इंसेक्ट्स लीव्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं यानी कि जड़ों को खाते हैं। ये फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है, जो जूस होता है फूलों का, उसको पी के भी जिंदा रहते हैं। बीजों को खाते हैं, लकड़ी खा सकते हैं। तो ये सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंसेक्ट्स के बारे में जो कि हमारे आसपास हम देख सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि इंसेक्ट्स क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं और उनके इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।